नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष चौधरी कंवर पाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का जिस प्रकार से व्यवहार रहा है, कांग्रेस कई जगह बट गई है। अशोक तंवर के हाथ में कमान थी तो इन लोगों ने उनका विरोध किया, अब हरियाणा की कमान उनके हाथ में आई है तो अब अशोक तंवर विरोध करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश में 6 अलग अलग लीडर और एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। देखिए, एक है कि जिस प्रकार का पहले व्यवहार रहा ना जी, कांग्रेस कई जगह बट गई। अब जैसे अशोक तंवर के हाथ में कमान थी तो इन लोगों ने उसका विरोध किया, अब इनके हाथ में आई तो वो विरोध करेगा। और ये कांग्रेस 6 लीडर हैं कांग्रेस के, अलग अलग 6 लीडर हैं, एक से दूसरे को कोई सा सहन नहीं करता। अभी आपने देखा कि इनका विपक्ष का नेता बनना था, इनके पास पूरी संख्या थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इनको तो केवल पास ही तो करना था। एक इन्होंने अपने साइन करके एक प्रस्ताव पास करके हमें देना था कि विपक्ष का नेता हमारे को इसको बनाया जाए। तो जो पार्टी विपक्ष के नेता के लिए फैसला नहीं कर सकी कि विपक्ष का नेता किसको बनाया जाए, और उस पार्टी से हम उम्मीद कर रहे कि वो चुनाव में एक होकर लड़ाई लड़ेगी, या उससे हम उम्मीद कर रहे कि वो प्रदेश के निर्णय ले सका ठीक तरीके से, मैं नहीं समझता। जनता इस बात को समझती है कि जिन लोगों में इतनी भी एकता नहीं है, अगर इनके हाथ में रहा जाएगा तब ये क्या करेंगे। तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन ये उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है कि वो किसको कमान देते हैं और किसको अध्यक्ष बनाते हैं। अब कुमारी शैलजा जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उनकी पार्टी का विषय है। मेरी शुभकामनाएं उनको कि वो अध्यक्ष बनी है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात है, जनता में जनता पूरी तरह से निराश हो। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।